ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर है बिहार से, जहां पर बाढ़ ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, तबाही भी मचाता जा रहा है। आलम यह है कि बिहार में बांध टूटे हैं, जबकि नेपाल में भारी तबाही का मंजर और बाढ़ लेकर यहां पर आई है। यहां पर 200 के करीब लोगों ने अपनी जान जल के जलजले में गंवा दी है। पहले आपको नेपाल के कोसी बैराज के हालात आपको दिखा देते हैं, जहां की भयानक तस्वीरें सामने आई और लहरों की गर्जना से अंदाजा आप लगा लेंगे कि नेपाल में मंजर कैसा है, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड ऐसी थी कि पुल पर चीख पुकार मच गई, लोग पुल से भागने लग गए और ऐसा लगने लगा कि मानो पानी अपने साथ इस पूरे बैराज को ही बहाकर ले जाएगा। कोसी के इस पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है, नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव बाढ़ की पानी में समा गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर यहां पर सामने आई है और कई लोग लापता हैं। और नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर चल रही हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। यूपी पर बाढ़ के कहर की अगर बात करें तो नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूटे हुए हैं और इलाके में नाव चलने की नौबत आ गई है। एक और नेपाल से छोड़े गए पानी से बाढ़ और लगातार बारिश से यूपी के कई इलाके पानी पानी हैं। दूसरी ओर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और तत्परता से काम करने के आदेश भी दे दिए हैं। बाढ़ और बारिश के प्रभावित जिलों में अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, फसलों के नुकसान का आकलन किया जा सके, इसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी के महाराजगंज की बात करें, बलिया की बात करें, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर और सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर यूपी सरकार अलर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। कोसी, कमला से लेकर बागमती विकराल रूप ले चुकी है और बाढ़ से यहां पर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार वालों की मुसीबत और बढ़ी है। कोसी कोहराम मचा रही है तो गंगा, गंडक और कमला कहर बरपा रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं और लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। लाखों लोग परेशान हैं, नदियां विकराल हो चुकी हैं, हजारों लाखों घरों को अपने में समाहित करती जा रही हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा समेत कई जिलों में बाढ़ अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नेपाल से कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी छोड़ दिया गया। कोसी, गंडक, गंगा, बागमती और कमला नदियां उफान पर हैं और नदियों के आसपास के इलाकों में बाढ़ का रूप नजर आ रहा है और कई जिले तो कोसी का अभिशाप भी झेल रहे हैं। सरकार ने कोसी, गंडक और गंगा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। बिहार में सोमवार को भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध तक टूटे हुए हैं और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। इसका असर भारत और नेपाल सीमा से लगते जिलों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ आई है। दरअसल बिहार में करीब करीब सभी नदियां उफान पर चल रही हैं, चाहे फिर वो कोसी हो, कमला हो, गंडक हो, गंगा हो, सब ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है। ये नदियां बिहार वालों के लिए अब एक नई मुसीबत बन चुकी हैं। उफान पर हैं और इसकी चपेट में गांव के गांव आ रहे हैं, शहर भी आ रहे हैं और करीब 15 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ बिहार में। स्थिति यहां पर काफी भयावह हो चली है। दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में तटबंध टूटे हैं और गांव के गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में ये सारी नदियां जो हैं इनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का रूप यहां पर देखने को मिल रहा है और लोग इसका दंश झेल रहे हैं। सीतामढ़ी जिले की बात कर लें तो यहां पर 22 साल के बाद बागमती नदी अपने रौद्र रूप में आई और इसकी वजह से सीतामढ़ी के 3 जगहों पर बांध टूटने की खबर है। शिवहर में भी एक जगह बांध टूट गया और इन 4 जगहों की 3 लाख की आबादी इस बाढ़ की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर हो गई। इसमें पहला स्थान बेलसंड के मदकौल का बताया जाता है, जहां पर बांध टूटने के बाद 10 पंचायतों के 30 गांवों में संकट के बादल छा गए।
वहीं रुन्नी सैदपुर के रविवार की शाम को तिलक ताजपुर और खरुआ निनौरा के मध्य बांध भी टूट गया, जिसके बाद लोगों में यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांध टूटने की वजह से 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ की स्थिति से भेलसंड और रुन्नी सैदपुर के करीब 1.5 लाख की आबादी पर असर हुआ है। बताया ये गया कि मुख्य सड़क पर चारों ओर पानी का तेज बहाव है। ग्रामीण बता रहे हैं कि साल 2002 में एक बार ऐसी बाढ़ आई थी और उस समय भी यही बांध टूटा था और 22 साल के बाद फिर से वही बांध टूट गया, लेकिन अगर प्रशासन सही समय पर पहुंचकर इसकी मरम्मत करा लेता तो ऐसी घटना नहीं होती और लाखों लोग परेशान नहीं हो रहे होते। दरअसल बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटारे के लिए कई कारगर उपाय होते हैं और हर साल यहां पर बांध बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार में बांध का निर्माण किया कैसे जाता है, ये बार बार टूट क्यों जाते हैं। बिहार के अररिया में नूना नदी का जलस्तर तेजी से हालांकि घट रहा है, इससे ग्रामीणों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परमान और बकरा नदी अपना रौद्र रूप अब भी दिखा रही है। यही वजह है कि अररिया प्रखंड के मदनपुर में बकरा नदी मरिया बांध, जो कि मनरेगा की तरफ से तैयार किया गया था, वो टूट गया और टूटते ही बकरा नदी का पानी तेजी से मदनपुर में प्रवेश कर गया। नेपाल से निकलकर आने वाली धुतहा नदी का पानी लगातार बिहार में घुस रहा है। पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती इलाके भेलाही में लगभग 2 से 3 फीट पानी पहुंच चुका है। इसकी वजह से भेलाही नेपाल बॉर्डर बंद हो गई है और आने जाने का रास्ता बंद होने की वजह से 2 दर्जन गांव सीधे तौर पर इस पर असर डाल रहे हैं। भेलाही में बने SSB चेक पॉइंट भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बाढ़ की वजह से नेपाल बॉर्डर पर भारतीय इलाके के लोग खासे परेशान हैं। नेपाल से लगातार संपर्क टूटा हुआ है। बाढ़ की वजह से यहां पर कई लोगों की मौत की आशंका बन गई है। भागलपुर की बात करें तो बाढ़ की तबाही यहां पर भी देखने को मिल रही है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा का रौद्र रूप नजर आया। गंगा लगातार गांव के घरों के साथ साथ मंदिर और सामुदायिक भवन को भी अपने आगोश में समेट ले रही है। अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। इसके बाद अब गांव में कुछ ही घर बचे हैं जिन्हें भी लोग तोड़कर ईंट बचाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो इस देश के हैं ही नहीं। उन्हें अब इस पर भी शक हो रहा है क्योंकि इनको जो मदद मिलनी चाहिए, मदद के पॉइंट से ये कह रहे हैं कि उनको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही है और कोई उनको देखने तक नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया कि उनका हाल क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि अब सरकार चाहे तो उन्हें कहीं और जमीन दे के बसा दे, मुआवजे की जरूरत उन्हें नहीं है, उनको तो बस एक बार फिर से उनका घर बसा दिया जाए ताकि वो अपना आशियाना एक बार फिर से बसा सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। लगातार कटाव हो रहा है, गाँव में दहशत का माहौल। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया, लेकिन आज वो घर उनकी आंखों के सामने पानी में समा गया। अब लोगों को अपने भविष्य की चिंता है और सरकार से आस भी है।